नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनकेडी कंप्यूटर जोन में। दोस्तों आज मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन दूंगा कि बेलपोन एंड उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में क्या अंतर है। कुछ साथी हमारे जानना चाह रहे थे कि दोनों में अंतर क्या है, किसमें ज्वाइन करने से बेहतर रहेगा, कौन सी संस्था जो है बेहतर है, इसके बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों ये जो हो गया, ये बेलटोन हो गया, इधर जो मैं रखा हूँ उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड का। देखिए बेल्ट्रोन का जो स्थापना हुआ था 21 फरवरी 1978 को, ये लगभग 42 साल 9 महीना हो चुका है इसको, जबकि इसका स्थापना जो हुआ है 6 अक्टूबर 2015 को, ये मात्र 5 साल 3 महीना हुआ है उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज का। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है बेल्ट्रोन का 1317 और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है 25097, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। बेल्ट्रोन का CIN नंबर है, यानी कि कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर ए हो गया है, और इसका उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का जो है कॉर्पोरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है ए हो गया। चलिए अब हम जानते हैं कि दोनों में और क्या अंतर है। बेल्ट्रोन जो हो गया एक पब्लिक इनकॉर्पोरेट कंपनी है, मतलब एक सार्वजनिक कंपनी है, और ये जो हो गया एक प्राइवेट कंपनी है, ये जो एक निजी कंपनी है। ये जो हो गया, ये जो है जो कंपनी का जो कैटेगराइज किया गया, क्लासिफाइड किया गया है, ये एज ए स्टेट गवर्नमेंट कंपनी, ये जो है स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी है, ये जो है इसमें एक अधिकार जो स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, मतलब बिहार सरकार के। इसको जो रखा गया है ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी में रखा गया, गैर सरकारी कंपनी हो गया, नॉर्मल जो कंपनी होती है टेक महिंद्रा IBM विप्रो इस तरह की कंपनी है। और इसका जो पेड अप अमाउंट है, जब भी कोई कंपनी रजिस्टर्ड होता है तो अमाउंट जो है डिपॉजिट होती है, तो इसका जो अमाउंट डिपॉजिट है ये 25 करोड़ रुपया है, 25 करोड़, और इसका जो है 5 करोड़। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों में क्या अंतर है और कौन सी कंपनी आपके लिए बेहतर होगा, किसमें ज्वाइन करेंगे तो बेहतर रहेगा, कौन सी कंपनी की जॉब की सिक्योरिटी ज्यादा है। तो आज मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग को प्रोवाइड कर पाया हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग को किसी तरह के कंसर्न है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका आईडी मैं इस डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर इस चैनल पे आप पहली बार विजिट करें तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।